गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विशाल सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन ऑफिसर्स। आज जो मैं लेकर आया हूँ छोटा सा वीडियो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, और एक्सपोनेंट यानी इंडाइसेस से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2 का पावर 100, 2 का पावर 100 का 2 गुना कितना, 2 का पावर 100 का 2 गुना कितना, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। काफी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज होते हैं और रॉन्गली आंसर मेंशन करके आते हैं। उनको ये लगता है कि 2 का पावर 100 इसका 2 गुना कितना, तो एक तो ये 2 का ट्वाइस करते हैं 4 का पावर 100 जो रॉन्ग होता है, या फिर ये 100 को ट्वाइस करते हैं उसमें भी रॉन्ग होते हैं। मान लो मुझे किसी संख्या का 2 गुना करना है, मुझे किसी संख्या का 2 गुना करना है, मान लो 5 का 2 गुना करना है मुझे, तो 5 का 2 गुना होता है 10। 5 का 2 गुना कितना होता है 10, यानी ये 5 को मैं 2 से गुना करूंगा तो मिलेगा मुझे 5 का 2 गुना। क्या मिलेगा मुझे 5 का 2 गुना, कितना मिलेगा 10। किसी भी संख्या का 2 गुना करना यानी उसको 2 से गुना करना है। सेम वही एक्चुअली वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो नंबर है 2 का पावर 100, 2 का पावर 100, ये संख्या का 2 गुना करना है। तो किसी भी संख्या का 2 गुना करने यानी 2 से गुना करना, तो मैं इसे गुना कर लूंगा 2 से, तो ये बन गया मेरा इस नंबर का 2 गुना, इस नंबर का 2 गुना। अब अगर ये 2 गुना बन गए तो 2 का पावर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो कंसिडर्ड होता है कि किसी भी संख्या का पावर होता है 1, किसी भी संख्या का पावर होता है 1। अब इंडाइसिस में एक रूल होता है कि अगर प्रॉपर नंबर सेम है, प्रॉपर नंबर सेम है, दो दो देखिए प्रॉपर नंबर ये 2 है और ये 2 है, यानी बेस, उसको बेस भी बोला जाता है, बेस सेम हो और बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो उनके पावर की एडिशन की जाती है, उनके जो घात है उनका जोड़ किया जाता है। तो उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, ये दो दो लेंगे कॉमन और इनके जो घात है उनका जोड़ करेंगे, एडिशन करेंगे, इसका घात है 100 और इसका घात है 1, तो हमें हमारे प्रश्न का हल मिल जाता है 2 का पावर 100 प्लस 1 101, ये होना चाहिए आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट एक या तो इसे टिक करके आएंगे या फिर इसे, बट दोनों तरीके से वो रॉन्गली है, आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट बी श्योर उसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए आंसर आपका मिल जाएगा। कभी कभी इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल पर पूछा जाता है, एक्सटेंडेड लेवल वो कैसा होता है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है इसमें। 4 का पावर 51 का 64 गुना, गुना या नहीं मल्टीप्लीकेशन, 64 गुना कितना होगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप ऑप्शन में नजर डालेंगे तो ऑप्शन कुछ 2 के पावर में दी हुई है, सभी के सभी ऑप्शन 2 का पावर 108, 2 का पावर 57, 2 का पावर 64 और ऑप्शन नंबर डी, तो इनमें से कोई नहीं यह दिया हुआ है, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है वहां से पिक करके। तो गुना यानी 64, 100 का 64 गुना करना है मुझे, 100 का 64 गुना, तो गुना 64 करूंगा, ये हो गया 100 का 64 गुना, बट मुझे 100 का करना नहीं है, मुझे ये 4 का पावर 51 इसका 64 64 गुना करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। अब अगर ऑप्शन में अगर देखिए आपने तो बेस, हर ऑप्शन में बेस दिया हुआ है 2, तो सबसे पहला काम आपको आपको ये जो बेस है इसको 2 में कन्वर्ट करना है, इसके पावर कुछ नहीं यानी 1 है। ये जो 4 है, ये जो 4 है उसको 2 का वर्ग ऐसा अगर लिखूं तो चलता है, तो मैं ये 4 को लिखता हूं 2 का वर्ग, और ऑलरेडी उसको पावर है 51, ऑलरेडी उसको पावर है 51, तो 51 से मैं उसको गुना कर देता हूं, पावर को पावर से गुना हो जाता है, ये 2 का पावर 2 बन गया, ये 4,
ये 2 का पावर 2, 2 का वर्ग बन गया 4, उसको ऑलरेडी 51 पावर था तो गुना कर दिए। बाद में इधर ये जो 64 है इसको भी 2 के बेस में अगर लेना है तो 2 का 6वां पावर, 2 का 6th पावर वो बनता है 64, यानी 64 को लिखूंगा मैं 2 का 6th पावर, और ऑलरेडी पावर है उसको 1 तो गुना 1 कर लूंगा। ठीक, अभी हम वो फॉर्मेट में आ चुके हैं जो फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस दिए गए, मींस इनमें से ये दो दो बेस मुझे सारी का मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 2 ले लूंगा, एंड इनके जो पावर्स है इनकी मुझे एडिशन करनी है, जोड़ करना है, 51 गुना 2 मीन्स ये हो गया 102 प्लस 6 गुना 1, 6 गुना 1, 6, यहां से फॉर्म होगा आपका आंसर 2 का पावर 102 प्लस 6 मीन्स 108, यह आना चाहिए आपके इस सवाल का जवाब। अगर ऑप्शन में मिलता है तो ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। देखो आपको डबलेट ट्रिपलेट्स इसका नॉलेज होगा, डबलेट्स मीन्स 2 के पावर्स, ट्रिपलेट्स मीन्स 3 के पावर, तो ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। और एक टाइप इसमें देखते हैं जो ट्रिपलेट से रिलेटेड है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा ये क्वेश्चन देखो, 3 का पावर 26 का 3 गुना कितना, 3 का पावर 26 का 3 गुना कितना होगा। किसी भी संख्या का 3 गुना करना यानी उसको 3 से गुना करना होता है। को प्रश्न पूछा गया 3 का पावर 26, इसका 3 से गुनाकार कर लेंगे हम लोग। राइट, 3 का पावर कुछ नहीं है, यानी 3 का पावर 1, जिसमें आपको बेस सेम मिल रहा है, मीन्स प्रॉपर नंबर सेम मिल रहा है, और बीच में गुना का साइन है, तो इनके पावर का एडिशन होगा जो 26 प्लस 1, इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी 3 का पावर 26 प्लस 1 वो हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 3 का पावर 27 कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ये होना चाहिए आपके इस प्रश्न का सब हल। इसके अलावा इसको भी थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है, जो बार बार SSC, रेलवे, बैंकिंग या फिर स्टेट या सेंट्रल के कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये थोड़ा एक्सटेंडेड सवाल कि 81 का पावर 10, इसका 27 गुना निकालना है हमें, तो चलो निकाल लेंगे 81 का पावर 10, इसका कितना गुना, 27 गुना। अब यहाँ पर 3 के पावर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स, कि 3 का पहला पावर जो होता है 3, 3 का दूसरा पावर जो होता है 9, 3 का तीसरा पावर जो होता है 27, 3 का चौथा पावर जो होता है 81, 3 का 5वां पावर जो होता है 243, 3 का 6वां पावर जो होता है 729, एंड सो ऑन। अच्छे पावर जनरेट किए जाते हैं, तो इनमें से अगर आप देखोगे तो आपको 81 मिल रहा है, जो 3 का 4th पावर है, 3 का 4th पावर है, तो 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का पावर 4, जो बन गया आपका 81, और ऑलरेडी इसको पावर दिया है 10, तो ये 4 को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर सकते हैं। ठीक, चलो 27 को देखते हैं, 27 को, ये जो 27 है, 27 देखो यहाँ मिल रहा है, जो 3 का 3rd पावर है, तो इसको 3 का 3rd पावर में कन्वर्ट करता हूँ। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस हर ऑप्शन में आपका प्रॉपर नंबर यानी बेस जो दिया है 3 दिया है, तो इससे अब 3 3 बेस तो सेम हो गया है, उसको ले लेंगे हम लोग कॉमन, और उनके जो पावर्स है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, उनके जो पावर्स है उनकी एडिशन कर लेंगे, 4 × 10 दैट इज 40 प्लस ये आ गया 3, तो आपका आंसर भी बन जाएगा 3 का पावर 43। ऐसा ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या, आपको देखना है तो ऑप्शन नंबर 1, 3 पावर 43। राइट, तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। ये तो एक सैंपल एग्जांपल्स है, इसमें एक्सपोनेंट्स में बहुत सारे टाइप के, वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो एक सैंपल एग्जांपल्स है। अगर डिटेल में अगर आपको इसे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे ऐप थ्रू हमारा एक कोर्स परचेस कर सकते हैं, मिशन ऑफिसर्स, ये
हमारी क्लास का नाम है और इसी नाम पर आपको ऐप मिलेगा, इसी नाम पर आपको ऐप मिलेगा जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ 499 रुपीज में कंप्लीट कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जो एक्सपोनेंट टॉपिक है इसके अलावा 32 मैथ्स के टॉपिक्स एज वेल एज 18 लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स एज वेल एज ज्योमेट्री एक्स्ट्रा वो सब मिलेगा। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल ये भी काफी सारा मिलेगा। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा या फिर इम्पोर्टेंस लग रहा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, पॉसिबली कमेंट्स हो सकते हैं तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एंड अगर कंप्लीट नॉलेज आपको गेन करना है मैथ्स एंड रीजनिंग में तो मिशन ऑफिसर्स ये हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड 499 रुपीज का पैकेज, टोटल पैकेज है जिसमें आपको 150 लेक्चर्स के अबो उससे भी ज़्यादा लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपका मैथ्स मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। चलो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही, फिर से एक जल्दी ही नया वीडियो लेकर आऊँगा यूट्यूब पे आपके लिए। चलो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फ्रेंड्स।